नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपको दोस्त चेतन बोला और फिर से बैठा अपनी बकेट सीट पे लेके आया बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि है कि लोग क्यों सजेस्ट करते हैं कि गाड़ी नई ना खरीद के पुरानी गाड़ी खरीदनी चाहिए, या फिर कुछ लोग सजेस्ट करते हैं भाई गाड़ी पुरानी ना खरीद के नई गाड़ी खरीदनी चाहिए। तो ये जो भी सजेशन है वो आपको पता चलेगा आज इस वीडियो में कि गाड़ी कैसी खरीदनी चाहिए। आपको उन दोनों के प्रोज एंड कॉन्स बताऊंगा मैं इसमें, उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको नई गाड़ी खरीदनी है पुरानी गाड़ी खरीदनी है, दोनों के अपने फायदे अपने नुकसान है। तो प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। नई गाड़ी का ऑब्वियसली अपना नया शौक होता है, नई गाड़ी कोई भी नई चीज का हमेशा ही अपना एक अलग क्रेज होता है, उसका मजा ही अलग होता है नई चीज का। बट हाँ, जब बात आती है बजट की और वैल्यू फॉर मनी की, तो आप जरूर सेकेंड हैंड गाड़ी के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि सेकेंड हैंड गाड़ी में आपको ज्यादा फीचर्स कम पैसे में मिल जाते हैं और नई गाड़ी में आपको उसके लिए ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं, बस इतना सा फर्क है। तो नई गाड़ी के बारे में पहले बता दो, मैंने यहाँ पे पॉइंट लिस्ट आउट कर लिए हैं, लिस्ट थोड़ी बड़ी थी इसलिए मेरे को अपना नोट्स यूज करने पड़ रहे, बाकी मैं बिना नोट्स देखे ही बता देता। तो क्या होता है, नई गाड़ी जब भी आप लेते हैं तो उसमें फायदा ही होता है कि आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मिलती है, पॉल्यूशन नॉर्म्स का कोई ज्यादा झंझट नहीं, क्योंकि भाई पॉल्यूशन नॉर्म्स जो बेस्ट होंगे वो होंगे। जैसे कि अभी BS6 आया तो BS6 की गाड़ियां आपको मिलेंगी, जरूरी अब सेकेंड लेन जाओगे तो आपको BS4 भी मिल सकती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट चीज की, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जब भी आप लोन लेते हो इस पे, तो क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रहेगा, नई गाड़ी पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रहता है, पुरानी गाड़ी पे ज्यादा रहता है। व्हीकल जो है वो वारंटी में होता है, कोई भी खराब चीज हो तो वो ठीक करवा सकते हो आप जाके, पहले 3 सर्विसेज फ्री मिलती है नई गाड़ी लेने पे, आप वो 3 सर्विसेज का जो मजा है वो तो आप अगर नई गाड़ी लोगे तो ही आएगा, समझ में आएगा, क्योंकि जो 3 फ्री सर्विसेज होती है उसका मजा अलग होता है जाके लेने का। बाकी इंश्योरेंस कॉस्ट भी थोड़ी सी कम होती है नई गाड़ी में, और सबसे बड़ी बात आप फर्स्ट ओनर होते हो गाड़ी के, आप हमेशा आपके RC पे आपका नाम सबसे पहले दिखेगा आपको, और गाड़ी जब जब चेंज होगी तो आप फर्स्ट ओनर आप ही रहोगे उस गाड़ी के। अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस बात कर लेते हैं कि क्या नुकसान है नई गाड़ी खरीदने के। तो जैसे आप शोरूम से निकालते हो कॉस्ट कम हो जाती है गाड़ी की, मतलब आप ये मान लो कि शोरूम से निकालते ही 25% तक आपकी कॉस्ट कम हो जाती है उसकी, और रजिस्ट्रेशन अमाउंट आपको भरना पड़ता है कि आप भाई रजिस्ट्रेशन करा रहे हो, तो बहुत सारे खर्चे होते हैं शुरुआत में, वो सारे आपको ही भरने पड़ते हैं, और आफ्टर मार्केट की जो भी चीज़ें हैं आप लगाते हो उसमें, कई लोग तो बेसिक वर्जन लेते हैं तो उसमें म्यूजिक सिस्टम वगैरह, गार्ड्स लगाना, ग्रिल्स लगाना, और कई सारे ऐसे छोटे मोटे खर्चे होते हैं जो कि सेकेंड हैंड गाड़ी में नहीं करने पड़ते, वो पहले से लगे लगाए मिल जाते हैं, तो सेकेंड हैंड गाड़ी का मज़ा ही अलग है, बट हाँ फर्स्ट हैंड गाड़ी का मज़ा थोड़ा सा अलग है। तो ऐसा है, एक छोटा सा नुकसान ये भी है कि आपकी वारंटी खत्म हो जाती है अगर आप किसी और सर्विस सेंटर से काम करा लेते हो तो, किसी और मतलब नॉर्मल अगर प्राइवेट किसी मैकेनिक से सही कराते हो या सर्विस कराते हो तो फिर आपकी वारंटी वॉइड हो जाती है, जिसका दुख आपको जरूर होगा कि वारंटी मैंने वॉइड कर दी, तो ज्यादा पैसे पे करके आपको सर्विस सेंटर में जाके सर्विस करानी होती है। सेकेंड हैंड गाड़ी के फायदे बता दूं कि सेकेंड हैंड गाड़ी के क्या क्या फायदे हैं। सबसे पहले सबसे काफी सस्ती आपको गाड़ी मिल सकती है ये वाली, और आपको ज्यादा फीचर्स वाली गाड़ी मिल जाएगी उतने ही बजट में। व्हीकल में आपको कई सारे आफ्टर मार्केट की चीज़ें पहले से लगी मिल जाएंगी, जहाँ पे आप अपना पैसा बचा सकते हो, और ट्रांसफर चार्जेस देने पड़ते हैं, सिर्फ आपकी गाड़ी किसी और के नाम से आपके नाम पे आएगी तो ट्रांसफर चार्जेस देने पड़ते हैं जो कि काफ़ी कम होते हैं। आप क्या होता है, जब आप जाते हो शोरूम पे लेने तो आप ज़्यादा नेगोशिएट नहीं कर सकते, लेकिन मान लेते हैं मैं सेकेंड गाड़ी लेने जा रहा हूँ तो मैं आपसे जाके नेगोशिएट कर लूँगा कि भाई यार इतना ले ले, अपने ले ले, इतने में बात मना लेते हैं, वो अपने हिसाब से हम नेगोशिएट कर सकते हैं, लेकिन शोरूम पे जाके नहीं कर सकते आप ऐसा। और आप अपनी गाड़ी जल्दी जल्दी बदल सकते हैं सेकंड हैंड गाड़ियों में, थोड़ा सा क्या है कि आप ज़्यादा सोचते थोड़ा कम है क्योंकि पैसे थोड़े से कम लग रहे होते हैं। इन शॉर्ट डिसएडवांटेजेस की बात कर लेते हैं कि हो सकता है नई टेक्नोलॉजी ना हो, BS4 आप चला रहे हो गाड़ी और BS6 ना हो, लाइफ थोड़ी सी कम बचती है जिसमें आप मतलब अगर आप ज़्यादा मान लेते हैं कि 5 साल पुरानी गाड़ी चला रहे हैं तो फिर सिर्फ अगर डीजल की गाड़ी है तो सिर्फ 5 साल ही एज बची है जिसमें आप 5 साल चला सकते हैं गाड़ी को बस, और रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा हाई होता है और इंश्योरेंस भी थोड़ा सा हाई होता है। एक और जो डिसएडवांटेज है सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदने का वो ये, क्योंकि अभी क्या है ना कि आप मार्केट में निकलोगे सेकेंड हैंड गाड़ी के डीलर्स बहुत ज़्यादा और ये सब बनाते पागल, एक मतलब सीरियसली लोग बहुत पागल बनाते हैं, आप मेरी बात मानो, ये लोग क्या करते हैं कि अब मीटर रीडिंग घुमा देते हैं तो आपको जज करना मुश्किल हो जाता है कि हाँ भाई गाड़ी इतनी ही चली है, इतनी किलोमीटर चली है कि नहीं चली है, लगभग 1.5 लाख किलोमीटर चली हुई गाड़ियों को ये 70,000 किलोमीटर दिखा देते हैं तो आपके लिए जज करना मुश्किल हो जाता है। ये बोलते हैं मैं रिकॉर्ड दिखा दूंगा या फिर ये कर दूंगा, तो दीज आर देयर वर्ड्स कि मैं आपको रिकॉर्ड दिखा सकता हूँ कि ये शोरूम पे रिकॉर्ड है, बट आई डोंट नो कि कहाँ से लेके आते हैं ऐसे रिकॉर्ड्स,
कैसे करते हैं जुगाड़, लेकिन फिर भी ये लोग पागल बहुत बनाते हैं। आपके लिए सामने जो गाड़ी खड़ी होगी वो आपको ऐसी लगेगी ये शोरूम से निकल के आई है, वो इतना चमका के रखते हैं। तो एज अ फ्रेंड मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, अगर आपको सेकेंड हैंड गाड़ी लेनी है तो कोई नोन हो, मान लेते कि मैं आपका दोस्त हूँ और मैं कोई अपनी गाड़ी बेचना चाहता हूँ, तो फिर आप मुझसे ले लो, वो बेटर है। आप डीलर से मत लो, क्योंकि डीलर कई बार पागल बना देते। इनफैक्ट कार्स 24 और ये सब जो भी हैं, ये लोग भी कहीं ना कहीं मेरे को लगता है थोड़ा सा पागल बनाते हैं। मैं ऐसे स्ट्रेट अवे बोल नहीं सकता तो सही नहीं लगेगा, मतलब मैं ऐसा पागल बना नहीं हूँ अभी तक, बट हाँ मैंने कई लोगों से सुना है और कई लोग की हेल्प करी है मैंने गाड़ियाँ खरीदने में, मैंने उनको सजेस्ट करी है कई बार पर्सनल, मेरे कई सारे दोस्त हैं उनको सजेस्ट करिए, तो मेरे को पता है उनके सामने क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी। सो ये चीज़ है, तो मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा, अगर आपको सेकेंड हैंड गाड़ी कोई अपना नोन दे रहा है, कोई आपके सामने चली हुई गाड़ी है, ज़्यादा नहीं चली है, ठीक गाड़ी है, तो आप खरीद लो सेकेंड हैंड। बट एल्स मैं आपको बोलूंगा कि थोड़ा सा बजट बढ़ा के आप नई गाड़ी खरीदो तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि एटलीस्ट आपको पता है ये गाड़ी आपके थ्रू चलेगी, आपको कभी धोखा नहीं देगी। मान लेते मैंने सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदी, वो उसने 70,000 किलोमीटर बता के बताई थी कि 70,000 किलोमीटर चली हुई, और वो देखा बाद में पता चलता है कि भाई 1.5 लाख किलोमीटर चली हुई, तो यू एट दैट टाइम यू फील कि मेरे को लूट लिया उसने, पागल बना दिया, वो बहुत ज़्यादा खराब होता है वो सिचुएशन। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई डीलर से ही ले रहे हो आप, और क्या कहते हैं आपको लगता है कि भाई मेरे को सेकेंड हैंड ही लेनी है, तो फिर मैं बोलूंगा कि 2 या 3 साल से ज़्यादा पुरानी गाड़ी मत लेना। 2-3 साल से ज़्यादा पुरानी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 2-3 साल में ज़्यादा गाड़ी नहीं चलती है। 5-5, 6-6 साल पुरानी गाड़ी को भी आपको 80,000-70,000 किलोमीटर दिखाएंगे तो फिर इसका मतलब पागल बना रहे हैं। 5 साल में ज़्यादा चल जाती हैं गाड़ियाँ, बहुत ज़्यादा चल जाती हैं। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप जब गाड़ी लो तो या तो फर्स्ट हैंड लो, अगर सेकेंड हैंड ले रहे हो तो 2 या 3 साल से ज़्यादा पुरानी ना लो, कोई अच्छा जानकार या भरोसेमंद आदमी उससे गाड़ी लेना। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, टिप्स मेरी काम आएंगे आपके लिए जब भी आप गाड़ी लेने जाएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियोस को देखने के लिए, ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो कि गाड़ी लेना चाह रहे हैं, या फिर कभी उनके दिमाग में ऐसा ख्याल आए, फिर किसी भी टॉपिक पर आप उनसे बात करना चाहते हैं तो आप उनके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। कोई सवाल है कोई सुझाव है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, नहीं तो इंस्टाग्राम पे मुझे आके क्वेश्चन पूछ सकते हो, वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से इंटरेक्ट कर सकते हैं हम लोग। धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियोस को देखने के लिए, यही मेरी वीडियोस को देखते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, बस इतना तो चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।